आतंकवादी बिहार आ जाएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं बताया। 2 करोड़ 10 लाख लोगों को वापस रोजगार कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय? दुनिया में सबसे नीचे गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय? कोविड में सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक में फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर भारत की है, उसके बारे में आपकी क्या राय? दनेश, CAA, कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे, मदरसे, मथुरा, इन चीजों से फेड अप हो गए। देश ने भी देख लिया कि आपका कोई मंतव्य नहीं है, ना तो आपकी नीति साफ है ना आपकी नीयत साफ है। जब तक बिहार के अंतिम चरण के चुनाव नहीं होंगे तब तक तनिष्क भी आएगा, तब तक कप्पन परिवार के भी इश्यूज को आपको उठाए, तब तक नित्यानंद राय जाके बिहार में ये भी बोलेंगे कि अगर यहाँ पे कोई दूसरी सरकार बन गई तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं बताया राय साहब ने। तब तक वो ये भी बोलेंगे कि मदरसों में क्या हो रहा है, तब तक वो ये भी बोलेंगे कि अब मथुरा में हम ये करेंगे। ये 7 तारीख तक ये सब देश को सहना पड़ेगा। मुझे तो आदत है, कल जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, अब राष्ट्र को संबोधित और मन की बात में ज़्यादा अंतर रहा नहीं है क्योंकि वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी मन की बात से ज़्यादा हो चुकी है, तो कल जब वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे ये सारी बातें आनी है। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं ने, नौकरी पेशा सैलरीड क्लास लोगों ने अप्रैल से अगस्त माह के मध्य अपनी नौकरी खोई। कोई उस पर, किसी सरकार के किसी आदमी ने उस पर बात करी? मुख्य मुद्दा यह है कि इस दुनिया को, इस सबसे नीचे गिरती हुई इकोनॉमी को कैसे ऊपर लाया जाएगा, क्या कभी किसी ने या सरकार की ओर से उस पर किसी ने बात करी? मुख्य मुद्दा यह है कि महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार होता है, हर जगह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार से घटनाएं आ रही है, उसको कैसे रोका जाएगा, उसके बारे में क्या नीतियां बनानी चाहिए, उसके बारे में किसी ने कोई बात करी? अब फेड अप हो गए हैं, ये बहुत मतलब ओल्ड एक ही एक्सक्यूज, मतलब जैसे आपको कोई क्लास मिस करनी है तो आप रोज यही कहो कि अरे मेरा पेट दुख रहा है, तो फिर उस पर डाउट होने लगता है वो कि वो ये चीज़ें ये सरकार कर रही है। तनिष्क का मुद्दा भी आ जाता है बिहार चुनाव के पूर्व, कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाते हैं बिहार चुनाव के पूर्व। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राय साहब से, कि उनके जब होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी पिछले बिहार चुनाव में बोले थे कि अगर राजद और नीतीश जी की सरकार बन जाएगी तो पाकिस्तान में फटाके छूटेंगे, छूटे थे क्या? क्योंकि बनी तो थी, और उन्हीं नीतीश कुमार जी के साथ आपने भी 3-3.5 साल सरकार चलाई है, तो छूटे थे क्या? तो ये मुद्दों से पेट नहीं भरता है, इन मुद्दों से बात नहीं बढ़ती है। मैं तो आपका सवाल लेने को तैयार हूं, पर कोई उनकी तरफ से इन सवालों का जवाब दे सकता है क्या कि 2 करोड़ 10 जो सज्जन सपा से आए उनकी, जिनका जिक्र किया, उनसे कभी पूछना कि 2 करोड़ 10 लाख लोगों को वापिस रोजगार कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय? दुनिया में सबसे नीचे गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कोविड में सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक में फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर भारत की है, उसके बारे में आपकी क्या राय? आप फैटेलिटी रेट कंपेयर करते हो अमेरिका से, अमेरिका की डेमोग्राफी और इंडिया की डेमोग्राफी अलग है, एवरेज एज ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया इन इंडिया एंड US आर डिफरेंट थिंग्स। आप उनसे अगर कंपेयर करते हो तो ये क्यों भूल जाते हो कि अमेरिका की और भारत की जो पर मिलियन टेस्टिंग है उसमें 7 गुना 7 टाइम्स का अंतर है, जो पर मिलियन अमेरिका में, भारत से 7 गुना 7 टाइम्स ज्यादा टेस्टिंग हुई है। तो जब उतनी टेस्टिंग कराओ फिर फैटेलिटी रेट की बात करेंगे। जब आप ये बात करते हो, मैं पब्लिक कांग्रेस के पटल से ये पूछना चाहता हूं, मैं तो अपनी सरकार के साथ खड़ा हूं, मुझे तो मेरी सरकार के डेटा पे पूरा विश्वास है, पर प्रधानमंत्री जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को मोदी सरकार के डेटा पे विश्वास नहीं है और वो पब्लिकली कहते हैं कि भारत का कोविड का डेटा गलत है, झूठा है। मैं तो बोलता हूं मैं तो मेरी सरकार के साथ हूं, मैं बोलता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं, पर हमारी सरकार की तरफ से कोई नहीं बोलता है। इन मुद्दों पर उत्तर चाहिए देश को, इन मुद्दों पर नीतियां चाहिए देश को। ये तनेश, CAA, कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे, मदरसे, मथुरा, इन चीजों से फेड अप हो गए।
देश ने भी देख लिया कि आपका कोई मंतव्य नहीं है, ना तो आपकी नीति साफ है, ना आपकी नियत साफ है, ना आप धर्म के रास्ते पे चलते हो, ना राम के रास्ते पे चलते हो, आपका सिर्फ एक ही रास्ता है, लोगों को लड़ाओ और सत्ता हासिल करो। वो रास्ता अब हिंदुस्तान की जनता आपको देने को तैयार नहीं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।